SK Culinary Art, source for easy and tasty recipe. Share and subscribe to my channel, SK Culinary Art. हेलो फ्रेंड्स, इसके कुलिनरी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी जो करेले से बनाने वाली हूँ। करेले की चिप्स, ये चिप्स क्रिस्पी और टेस्टी होती है जिसे हर उम्र के लोग पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, करेला चिप्स जो बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम करेला ले लिया है। अभी इसको धो के रखा है और कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, बीच से कटिंग किया है और इसका जो बिया है इसको सब निकाल देगा, इसमें बिया नहीं चाहिए हमको। देखिए, पूरा इसका बिया निकाल दिया है। अब इसको लंबा लंबा करके ही कटिंग करना है। इसको ऐसे करके दो चीर कर लिया है। जैसे ऐसे लंबा करके चीर करने का, देखिए पूरा करेला को ऐसे करके कटिंग कर लेते हैं। देखिए, पूरा कटिंग कर लिया और एक तो मिक्सिंग बोल ले लिया है। अभी इसमें थोड़ा नमक दे के रख देगा 15 मिनट्स के लिए, तो इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, चम्मच भर के नमक देगा, स्प्रिंकल कर देगा। अच्छे से मिक्स करना होगा, करके हम 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देता है। कि 15 मिनट को रेस्ट में रखा था, देखिए कितना पानी निकल रहा है। इसको निचोड़ के पानी को पी जाने का, क्योंकि ये पानी बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज़ लोग के लिए। ऐसी करके निचोड़ निचोड़ के निकालने का, देखिए कितना पानी निकल रहा है। इसमें कड़वा एकदम कम हो जाता है। थोड़ा नमक देके रखने से थोड़ा टाइम उसका कड़वाहट जो होता है ना बहुत कम हो जाता है। इसी टाइप करके बनाने से करेला कभी भी इतना कड़वा नहीं लगेगा। करेला तो कड़वा होगा ही, पर इतना नहीं लगेगा। जो नहीं खाता वो भी यही खाएगा। ये जो रेसिपी है, जिसको करेला पसंद नहीं है वो भी एक बार खाएगा तो फिर सेकेंड टाइम मांगेगा। बहुत ही अच्छा और कुरकुरे होता है ये रेसिपी। देखिए इतना पानी निकला, इसको छान कर और थोड़ा पानी मिला के पी जाएगा। कड़वा तो होगा ही, पर ये बहुत ही हेल्दी होता है और डायबिटीज़ का तो एकदम बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इतना है, मैंने मिक्सिंग बोल के लिए फिर इसको धो के ले लिया। अभी इसमें डाल देता है। यहाँ 2 टेबलस्पून सूजी लिया है और 1/4 कप चावल का आटा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना होगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टी स्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर दे सकते हैं। थोड़ा सा नमक देगा, क्योंकि
उसमें नमक था करेला में, और उसको जब 15 मिनट्स रेस्ट में रखा था तो फिर पानी होके निकल गया, इसलिए थोड़ा सा दिया और थोड़ा रहेगा उसमें। ये जो मसाला दिया उसके लिए देना ज़रूरी है। अभी तो अच्छा से इसको कोटिंग कर लेना होगा। देखिए बहुत ड्राई है इसलिए हम इसमें एक टेबलस्पून जैसे पानी दे रहा। देखिए जो ड्राई मसाला है इसको थोड़ा गीला करना होगा। और दूसरा गैस में हम एक तो पैन रख दिया है ऑयल के साथ फ्राई करने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दे रहा। तेल को मीडियम फ्लेम में रखा है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखा है। अभी हम थोड़ा टच भी नहीं करेगा, थोड़ा हो जाएगा एक साइड, फिर हम इसको चेंज करना है। देखिए एक साइड हल्का सा हुआ है। ये हो गया, ये अब इसको निकाल लेते हैं। ये कितना क्रिस्पी हुआ। अभी दूसरा जो बचा हुआ है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। दूसरा छोड़ देगा। करेला पूरा फ्राई हो गया। और एक ग्रीन चिल्ली लिया बहुत बड़ा वाला, इसमें तीखा कम होता है। इसको बीच से स्लिट कर लिया और दो टुकड़ा कर ले रहा। इसको थोड़ा फ्राई करेगा करेला के साथ, अच्छा लगेगा खाने। देखिए हम चिल्ली के साथ सर्व करेंगे। इतना कुरकुरे हुआ है, देखिए थोड़ा हाथ से तोड़ने से टूट जा रहा। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, तो देखिएगा बच्चा बूढ़ा सब कोई घर का पसंद करेगा ये रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी करेला चिप्स, कुरकुरे करेला चिप्स रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।